वेलकम टू माय चैनल जीतू सुपर पिजन में आप सभी भाइयों का स्वागत है। तो दोस्तों आज एक अपने नए जोड़े का शौक कराने लगे हैं आपको। ये अपने दोनों ही घर के पट्ठा पट्ठी हैं भाई, ठीक है। ये नीला कबूतर है, नीला नर है और पीली मादिन है। ये दोनों अपने घर के पट्ठा पट्ठी हैं जो हमने अभी इनका जोड़ा लगा दिया, ठीक है। तो इनका मैं कहा चलो भाइयों को शौक कराएँगे। अभी फ़िलहाल नया ही जोड़ा लगाया है ये मैंने, ठीक है दोस्तों। बताना जरूर भाई कमेंट करके ये जोड़ा लगा कैसा आपको, ठीक है। नया पेड़ लगाया भाई, ये मेरे दोनों ही घर के बच्चे हैं 47 वाली नस्ल में से, ठीक है। तो अभी मैं कहा चलो भाइयों को शौक करा देते हैं एक नए जोड़े का। इनके माँ बापों का मैंने शौक करा रखा है, तो मैं कहा चलो पट्ठा पट्ठी है, ये नए जोड़ा लगाया इनका, तो इनका भी शौक करा देते हैं आपको। देखें भाई शौक करो इनका, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो ब्लड लाइन है ना भाई, क्वालिटी पूरी मेंटेन कर रखी है। सारे के सारे जो कबूतर हैं, एक चीज़ आपको फेमस मिलेगी, हमारे सारे कबूतरों की आँख बड़ी ख़तरनाक है भाई। सारे कबूतरों की आँख बहुत टॉप की मिलेगी, हमारे जितने भी कबूतर हैं उनमें ब्लड लाइन में ये खासियत है कि आँख जो है ना बहुत ख़तरनाक है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक पेयर लगाया है, तो आप सब भाइयों की राय देखना चाहते हैं कि भाई आपको ये कैसा लगा। मेरे पास पीला नर भी खाली पड़ा है और हरी मादिन भी खाली पड़ी है, ठीक है। लेकिन मैंने उनका जोड़ा नहीं लगाया भाई, पीले पीलों का जोड़ा नहीं लगाया और ना ही मैंने हरे हरों का जोड़ा लगाया है। बस मैंने अपना माइंड दौड़ा के ये जोड़ा सेट किया है, कोई ना कोई रीज़न है इसका, मैं बताऊँगा आने वाले टाइम में आपको। तो ये जोड़ा सेट किया। बहुत सारे भाई सोचते होंगे यार सेम जोड़ा क्यों नहीं लगाया जीतू भाई, अगर आपके पास नर भी खाली और मादिन। तो भाई ये अपनी अपनी सोच की बात है और आने वाले टाइम में बताएंगे भी इसका कारण क्या है, क्या रीज़न है इसका। हेलो, तो चलो अब आँख का शो कराते हैं इनकी। ये है जी नर की आँख, अभी पट्ठा है, पूरी तरह से जवान हुआ नहीं है, आठ कली का हुआ है, ठीक है जी। देख सकते हैं आँख इसकी, ये आईज है भाई, पूरा जवान नहीं हुआ, अभी आठ कली का हुआ है ये पट्ठा, ठीक है। मैं क्या शौक करा दूँ आप सब भाइयों को। बहुत सारे भाई कहते हैं ना जीतू भाई आपके कबूतरों की आँख जो है बड़ी ख़तरनाक होती है। भाई ये पट्ठा है, अभी बड़ा नहीं हुआ, आप बड़ा होकर सोचो इसकी आँख कैसी होगी, आप सोच के देखो ये चीज़। अभी तो ये पट्ठा है फिलहाल, ये है हमारे घर की ब्लड लाइन। मैं सिर्फ आपको शौक इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अगर, ताकि अब सब भाइयों को ये अंदाज़ा हो जाए कि अगर कबूतर रखें भी तो किस नस्ल का रखें और किस तरह का रखें, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसी आँख नहीं मिलेगी कहीं भी, मिलेगी ज़रूर मिलेगी, लेकिन अच्छी क्वालिटी जिसके पास होगी उसके पास मिलेगी। देख सकते हैं भाई, लोअर फोकस कर देता हूँ इसकी आँख पे। अब ये सात आठ कली का पट्ठा हुआ है, तो जब ये बड़ा होगा, जब और ज़्यादा इसकी आँखें जो हैं बिल्कुल लाइट हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था नर, अब मादिन की आँखों का शौक कराते। मादिन भी आठ कली की है दोस्तों, ये मादिन जो आठ कली की हुई है अभी, ठीक है, जिसकी भी आँख आप देख सकते हैं वाइट आँख की है ये। तो ये एक नया ही पेयर लगाया है, आप बताओ जरूर कमेंट करके कि ये पेयर आपको कैसा लगा भाई, ठीक है। ये अपने दोनों ही घर के पट्ठा पट्ठी हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है।